अभी पता चला है कि मेरे अगेंस्ट FIR दर्ज कर दी है SGPC अमृतसर ने। मुझे ये दुख हो रहा है कि मैंने जो गुड फेथ में किया था वो बहुत गलत तरीके से उसको रिसीव किया गया है, परसीव किया गया है। मैं 20 जून को वहां पे गोल्डन टेम्पल में अपना माथा टेक के आई थी, मैंने अपनी सेवा भी करी थी, वो सब मैंने 20 को किया था। 21 को सुबह योगा डे था, जैसे दिलजीत दोसांझ बहुत फेमस पंजाबी सिंगर बोलते हैं कि योगा अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए, तो वही मैसेज को स्प्रेड करने के लिए मैंने सोचा कि मैं भी कुछ कर लेती हूँ जिससे लोग पंजाब में ज्यादा लोग योग को अपनी लाइफ में अपनाएं। अनफॉर्चुनेटली मेरा ये एफर्ट बहुत गंदी तरीके से और बहुत गलत तरीके से परसीव किया गया, जिससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि 21 को जब मैं ये शीर्षासन कर रही थी या जो मेडिटेशन का मैं पोस्ट कर रही थी, उस दिन जिन्होंने फोटो खींचा था मेरा, वो भी सरदार जी ही थे और सबके सामने ही किया था। उन्होंने भी मुझे ऐसा नहीं बोला कि आप गलत कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगा कि मैंने गलत किया, पर मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने किसी को हर्ट किया। मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था किसी को हर्ट करने का, और मेरा कोई मलाइस इंटेंट भी नहीं है। इसको प्लीज कम्युनल पॉलिटिकल मत बनाइए, क्योंकि इट्स एक ओमकार, इट्स सब कुछ एक है। और जो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि मैं बहुत गलत इंटेंशन से वहां पे आई थी, वो पॉसिबल ही नहीं है। उनके हुक्म के बिना ये पॉसिबल ही नहीं था। मैंने बहुत गुड फेथ में ये किया था और मुझे बहुत बुरा लग रहा है। और मैं ऐसा बोलना चाहूंगी पंजाब पुलिस को और SGPC अमृतसर को कि इस दोनों दिन के आप CCTV कैमराज देख लीजिए, और प्लीज आप CCTV कैमराज पब्लिक में डाल दो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिकॉज मेरा अंदर बोलता है मैंने जानबूझ के कुछ गलत नहीं किया था, मैंने गुड फेथ में किया था। अगर फिर भी लोगों को बुरा लगा है तो आई एम सॉरी, अभी इससे ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग ने मेरे अगेंस्ट इतना क्या करूंगा? आप मुझे जेल में डाल दोगे क्या? मीन्स क्यों? मैंने ऐसा कुछ इंसल्ट नहीं किया है, मैंने अपने हिसाब से पूरा गुड फेथ में किया है। फिर वाहे गुरु जी की इच्छा, बिकॉज उनको पता है मैंने मेरे दिल में क्या है। और प्लीज इसको आप कम्युनल नहीं बनाए और पॉलिटिसाइज भी नहीं करें। और मीडिया, सोशल मीडिया, एवरीबॉडी, प्लीज इसको इतना अपना व्यूज बनाने के लिए और अपने फॉलोअर्स बनाने के लिए इसको खाली खाली मेरे बारे में रील मत बनाइए प्लीज। ये इतना आपको फनी लगता है वो नहीं है, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। और मेरे को इसके लिए डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, पता नहीं क्या क्या मिल चुका है अभी तक। मुझे पुलिस प्रोटेक्शन दे दी गुजरात गवर्नमेंट ने, आई एम वेरी थैंकफुल, वरना क्या होता मेरा? बिकॉज यू नो इट्स वेरी सैड कि लोगों ने अपने हिसाब से परसीव किया है। मेरा जो अंदर का रियल इंटेंशन था वो तो अनफॉर्चुनेटली किसी को दिख नहीं रहा है। आई डोंट नो, आई एम वेरी सॉरी अगर आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है, पर वो मेरा इंटेंशन कभी था ही नहीं। और इतना बड़ा गुनाह मैंने नहीं किया है कि आप मुझे मारने की धमकी दे रहे हो, रेप की धमकी दे रहे हो। मेरे अगेंस्ट FIR हो गई है तो अब क्या कर सकते हैं? लाइक आई डोंट डिजर्व दिस। फिर देख अब जैसी वाहेगुरु की इच्छा। सब्सक्राइब टू वन इंडिया चैनल एंड नेवर मिस एन अपडेट।